Firstly, congratulations, Dev. You literally live this journey. Like 12 साल से ये journey आप जी रहे हो. Tell us something about how excited are you? Are you nervous? Excited? क्योंकि इस बार जो बालवीर आ रहा है, जो एक अलग fashion में आ रहा है, एक अलग type में आ रहा है, लोगों की अलग उम्मीदें रहेगी. आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार के बालवीर? सब कॉस बालवीर इतने सालों से इवॉल्व होता हुआ आया है. जब 2012 में हमने इसकी शुरुआत की थी, सो इट वाज अ लॉट डिफरेंट सिनेरियो. इतना सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था. लेकिन आज बालवीर जिस मुकाम तक पहुंच चुका है, इट्स अ रियली जाइजेंटिक मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी आर कमिंग बैक विद सीज़न 4. और कहीं ना कहीं हम सीज़न 3 की स्टोरी को कंटिन्यू कर रहे हैं. बालवीर जब उसके फादर से मिलता है, जिसके बारे में वो अनजान है, और कैसे वो एक विलन बनते हैं, कैसे आगिल उन्हें यूज़ करती है, और कैसे काशवी बालवीर की मदद करती है. सो दिस ऑल स्टोरी लाइन इज़ गोइंग टू एंड अप इन द सीज़न 4, एंड इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग फॉर ऑल ऑफ यू. काफ़ी नए इंटरेस्टिंग विलन्स आने वाले हैं, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स आने वाले हैं. एंड आई होप कि जिस तरह से बालवीर को प्यार इतने सालों से मिलता है टेलीविजन पर, उतना ही प्यार एक्सक्लूसिवली अब सोनी लिव पे भी मिलेगा, और बालवीर को इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया में भी जैसा प्यार मिलता है वैसा ही प्यार मिलता रहे. एज यू मैंशन के यू नो टेलीविजन पे आपको प्यार मिलता है, अब सोनी लिव पर आ रहा है, इट इज़ शिफ्टिंग टू OTT. व्हाट इज़ योर टेक, लाइक हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर OTT? ऑफकोर्स OTT आपको एक अलग एक्सपोजर देता है, ताकि आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हर किसी के पास टाइम नहीं है कि स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक बैठ के शो देख पाए. तो ऐसे में सोनी लिव पे आना, आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपके पास जब भी फ्री टाइम है, आप ट्यून इन कीजिए, बालवीर आपके पास, बालवीर आपके साथ होगा जब आप चाहेंगे. सो दैट्स अ बिग USP वी हैव विद सोनी लिव. और इस बार तो एक्सक्लूसिवली आ रहा है, सो इट्स गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग ओनली फ्रॉम 6th May. यस, मैं आप तीनों से जाना चाहूँगा, 12 साल से बालवीर का प्यार अभी भी लोगों के दिल में जिंदा है, अगर ये जिंदा है तो इसकी कौन सी एक वजह होगी जिसके कारण आज भी लोग बालवीर को देखने के लिए एक्साइटेड हैं? बिकॉज अल्टीमेटली दिखाते हैं कि अच्छाई ऑलवेज विंस, और यही लोग पॉजिटिविटी तो चाहते हैं. लोगों की ज़िंदगी में बहुत दुख हैं ऑलरेडी, और कुछ देखने की वजह से उनको अगर स्माइल आता है, अच्छा लगता है, तो दैट्स व्हाट. इट्स सिंपल, एनी स्टोरी दैट काइंड ऑफ शोज के जो बताता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है. हम इतने टाइम से रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, कितने वर्जन्स में हम आज तक देख चुके हैं, लेकिन हम फिर भी देखते हैं, वही एक चाबी है सबकी. And that is what I think Balveer conveys through villains, through hero, through everything. And the most biggest part is कि एक ऐसा शो जो पूरा फैमिली साथ में बैठ के देख सके, विदाउट एनी एज गैप, कहीं पे किसी को शर्माने की ज़रूरत, किसी को डरने की ज़रूरत कि बच्चा ये नहीं देख सकता, वैसी कोई चीज़ नहीं बालवीर में. आप पूरी फैमिली के साथ 7 to 70 हम कहते हैं, पूरी फैमिली बैठ कर एंजॉय कीजिए और बालवीर के हर एपिसोड को मज़े से मानिए. और इस बार सारे इमोशंस हैं. यस, मतलब ट्रेजिडी है इसमें, बहुत सारा ड्रामा है इसमें, कॉमेडी है इसमें, एक्शन है इसमें, धोखाधड़ी है इसमें, शतरंज है इसमें, बहुत कुछ है. देव, मोस्ट ऑफ द टाइम जब बालवीर जब शुरू हुआ था, तब हम देखते थे कि जो बच्चे लोग हैं, मोस्ट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ के जो सुपर हीरो हैं उनको अपना आइडल मानते थे. उसके बाद बालवीर आया जो टेलीविजन में बहुत छाया. मूवीज़ की अगर हम बात करें, क्रिश जैसी एक बड़ी मूवी आई थी, तो वो जो सुपर हीरो का जो चेंज आया, उस तरह से बदलाव आया, हाउ डू यू सी? अब जिस तरह हम बोलते हैं कि बच्चे लोग का सुपर हीरो तो बालवीर कहते हैं या फिर क्रिश जैसी मूवी का नाम देते, तो वो जो बदलाव आया आप किस तरह से देखा, हाउ डू यू सी द चेंज? द चेंज इज़ रियली गुड, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं मोदी जी, तो हमारे बालवीर की भी बात उसमें आती है. और अब बालवीर सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि ग्लोबली एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी बन चुका है. इंडिया में हिंदी में तो हम टेलीकास्ट करते ही हैं, लेकिन बालवीर सीज़न 1 के एपिसोड्स आज भी काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में डब हो के, साउथ अफ्रीका हो, साउथ अमेरिका हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, वहाँ पर आज भी दिखाई जाते हैं, और लोग उतना ही प्यार करते हैं हमें. एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इतना अच्छा किरदार मुझे निभाने का मौका मिला. एंड अब वो गैप नहीं रह गया है कि ये हॉलीवुड का सुपर हीरो है, ये एशिया का सुपर हीरो. इट हैज़ ऑल बीन जस्ट वन कंटेंट, और आप कहीं पे भी किसी को भी देख सकते हैं और किसी से भी इंस्पायर हो सकते हैं. बट द बिगेस्ट थिंग अबाउट बालवीर इज इट इज़ फ्रॉम इंडिया, इट इज़ फ्रॉम द कंट्री विच इज़ ग्रोइंग रियली ग्रेट, और जिसकी एथिक्स, जिसकी वैल्यूज, जिसका कल्चर आज पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया जाता है. सो ऑफकोर्स बालवीर हैज़ अ लेजेंड. मेड इन इंडिया. यस. You tell us something about your character, because we can see your poster. You're looking different in the poster, and right now you're looking very different. You're looking very beautiful right now. Tell Thank us something so about your character. How we are going to see your character? So Agil, who is, he, I'm
मैं भी जब हमने शूटिंग फिनिश की उसके काफ़ी दिनों तक मुझे मेरा ही चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था. आई वॉज नॉट एबल टू डू दिस. आई टिल द टाइम आई डिडंट हैव ऑल दोज थिंग्स ऑन मी. आई वॉज लाइक नो आई एम नॉट ब्यूटिफुल. आई आइडेंटिफाइड विद द कैरेक्टर सो मच. तो आगील जो है वो इस बार ना सिर्फ खतरनाक है पर वो शतरंज के खेल के तरीके से खेलेगी. अब यहाँ पर बहुत सारे नए विलन्स आ रहे हैं, कुछ मेरे लाए हुए हैं कुछ नए हैं, और अंदर ही अंदर सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं. सो फॉर मी द स्टिल द मोटो रिमेन्स, हाउ डू आई टेक बालवीर अवे एंड हाउ डू आई फिनिश हिम. एंड दिस टाइम इस बार चैलेंज बहुत ज़्यादा आने वाले हैं बालवीर के सामने. मैंने ऐसा कोई ट्रेजेक्टरी नहीं छोड़ा, ऐसे कोई एंगल नहीं छोड़ा जहाँ से इनको इनके घर में घुस गई हूँ इस बार. सो इट हैज़ बीन क्वाइट अ थिंग. आपको मज़ा आएगा इस सीजन में. वेल चैलेंजेस की बात करें तो आप लोगों के अटायर्स की हम लोग स्पेशली बात करना चाहेंगे, वो कितना चैलेंजिंग है कैरी करना. सो ऑफ कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मी, बालवीर का जो आप पीछे पोस्टर देख रहे हैं जो आर्मर है दैट्स क्वाइट हैवी एंड इट इज लाइक आपको पूरा स्ट्रेच कर लेता है. तो मेरी बॉडी वो हमेशा ऐसी रहती है. सो ड्यू टू दैट आई रियली गॉट बैड नेक पेन एंड ऑल ऑफ दैट. बट एज एन एक्टर जब आप सोचते हैं इस बारे में तो इट्स अ सेक्रीफाइस यू मेक, क्योंकि आपका जो किरदार है वो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहा है. एंड इट मेक्स मी रियली प्राउड कि पूरी दुनिया में मैं एक ही हूँ जो एक कॉस्ट्यूम पहन रहा हूँ, जो इस कॉस्ट्यूम की मदद से लोगों को इंस्पायर कर रहा है, उनकी ज़िंदगी बदल रहा है. सो दैट चेंज द होल परसेप्शन फॉर मी. और थोड़ा बहुत पेन ह्यूमन बॉडी की लिमिटेशन तो आई जाती है, बट एट द एंड इट्स ऑलवेज फन बींग एन एक्टर फॉर सच अ ग्रेट कैरेक्टर. फॉर मी 22 kg 22 किलो 14 घंटे रोज आई वॉज विद दैट. 1 किलो, 1 घंटे का ब्रेक में थोड़ा सा छोटा 15-20 मिनट ऐसे ब्रेक मिलता था. लेकिन इन शॉर्ट बताती हूँ, मुझे हमारा एक फाइटिंग सीक्वेंस चल रहा था जिसमें मुझे दौड़ना था. डायरेक्टर ने कहा दौड़ो एंड एट अ पॉइंट यू आर सपोज टू जंप, और जब लैंड करोगे तो ऐसे स्टाइल में आना है. ओके, वेरी इजी, जंप करना है, स्टाइल में आना है. मैं स्टाइल में आ जाऊंगी. आती तब जब जंप होता, जंप ही नहीं हुआ बिकॉज माई कॉस्ट्यूम डिडंट अलाउ मी टू जंप. सो इट वॉज वेरी हैवी, माई बॉडी यूज टू एक. इट वॉज डिफिकल्ट, स्पेशली फाइट सीक्वेंस हार्नेस बहुत डिफिकल्ट था. बट एंड ऑफ द डे वेरी हैप्पी टू लर्न समथिंग न्यू. What about you? I was lucky enough to be honored to be like all of you all. So I'm very happy कि मैंने actually मुझे कपड़े वो मिलते थे जो आप पहन सकते हो, मैं पहनती हूँ रियल लाइफ में. तो मैं तो बढ़िया जीन्स टॉप में घूमती थी और इन लोगों को रैशेस में देखती थी और मैं मज़े करती थी. हाँ, बट ऑफ कोर्स नो पेन नो गेन. ज़्यादा ग्लैम दिखना था, दोनों जनों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखना था, तो फिर करो. अदिति लास्ट में आप तीनों से जाना चाहूँ, कहीं ना कहीं अभी फिल्मों का दौर भी चल रहा है, अगर कल चल के बालवीर पर फिल्म बन जाए और आप तीनों को जिम्मेदारी दी जाती है कि आपको बॉलीवुड स्टार में से किसी को अपना कैरेक्टर देना हो तो आप तीनों फिर सोचेंगे? नहीं, हम अपना खुद कर लेंगे. किसी देना चाहेंगे स्टिल आप करेंगे, दैट्स गुड. अगर फिर भी एक मौका मिलता हो कि आपको किसी एक्टर को ये कैरेक्टर देना हो तो आप किसे देना चाहेंगे? तीनों क्या लगता है आपके कैरेक्टर कौन अच्छा नहीं पाएगा? आप तो कर ही रहे हैं, आपको मौका भी जरूर मिलेगा, लेकिन अगर देना हो किसे देना? I think Deepika just did something like that in Pathaan. I loved her in her catsuit. The way she fought it was quite nice. Katrina also did a good job in Dhoomni. What was that? Aamir Khan wali movie thi jo? Dhoom 3. Yes, Dhoom 3. She did a good job in there. I cannot think of anyone because I'm mostly a fan of retro heroes. So even if I can think of someone, it is Amitabh Bachchan ji. But still, if I think Devanand ji hai ya fir Rajesh Khanna ji hai, they all had such really great aura and somewhere Balveer ke character ko justice dena in the big kya kehte hain bade parde pe. So yeah, it would be a great for them. दिल से बुलाया बालवीर आया. देव आपसे जानना चाहेंगे लास्ट क्वेश्चन,
आपका मून ट्रिप था जो कैंसिल हुआ, आपने बताया था कि 2024 में आपका मून ट्रिप होने वाला है, सो व्हेन इज इट गोइंग टू हैपन? योर फैंस आर वेटिंग फॉर दैट, ऑफ कोर्स, इवन आई एम वेटिंग फॉर दैट, बट द थिंग इज इट्स जस्ट साइंस एंड यू कैन नॉट फास्ट ट्रैक इट बिकॉज़ इट टेक्स टाइम, क्योंकि जब आप स्टारशिप की बात करके, इट इज द बिगेस्ट स्टारशिप, बिगेस्ट रॉकेट एवर मेड, सो उसे फ्लाई करने में टाइम लगेगा, एंड इट इज स्टिल अवेटिंग इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल ऑर्बिटल टेस्ट, सो वी आर जस्ट अवेटिंग अपडेट फ्रॉम SpaceX, Elon Musk एंड द टीम. बाकी हमारी मीटिंग तो हर दो हफ्तों पे होती है, हम डिस्कस करते हैं, वी हैव अ रियली ग्रेट बॉन्डिंग विद ऑल द क्रू मेंबर्स, एंड आई रियली होप हम जल्दी ही स्पेस ट्रैवल करें और पूरे वर्ल्ड को और इंस्पायर. लास्ट मैसेज टू फ्रेंड्स, फैमिलीज, फैंस, वी लव यू गाइस. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. आपने बहुत बार ऐसा हुआ कि इंस्टा पे मैंने कहा था आपसे कि आप छूटिए, आपको क्या चाहिए, कैसे ट्विस्ट चाहिए, वहाँ से भी हमने काफ़ी कुछ लिया है. आपके लिए बहुत ही नए अंदाज में आ रहे हैं, इस बार बहुत कमाल का बॉलीवुड 4 आ रहा है, तो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच अस ऑन सोनी लिव एक्सक्लूसिवली 6 May onwards. Yes, बॉलीवुड इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड the perception of your life, it is going to make a lot of positive change in your life, I can say. And Balvir season 1 has always been great, Balvir season 2 has been great, 3 has been great, and 4 is going to be great. So yes, greater. Yes, greater. So just keep watching Balvir now exclusively on Sony Live, and keep loving us, keep supporting us. Thank you so much. Thank you so much for all your love, and please keep watching Balvir. Thank you. Thank you.